وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون अल्मदिल्लाबारमीन वसरा वसला ख़ा तमिल्बिया इबलमरसर वाल आ रही वसाहबी वन तबानिन इलाउम्द्दीन अम्माबाद मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों हमारे इस दर्स में जो किताब हमारे साथ है उस किताब के लिखने वाले जिन्होंने इन सवालत का जवाब दिया है उनके तालुक़ से कुछ बातें आज के इस दरस में हम सुन लेते हैं और किताब का नाम जैसे आपने सुना अलमना हिजुलजदीद यानी बहुत सारे सवालत जो शेख मोहतरम ने अपने मुख्तफ दुरूस में दिए हैं उन्हीं सवाल के जवाब का ये मजमुआ है जो हम सुनने जा रहे हैं शेख मोहतरम का नाम अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त फरमाए दे देह बिन फौजान बिन अल फौजान है आपकी पैदाइश तेरह सौ पचास पर चार थर्टीन फिफ्टी फ़ोर में हुई हिजरी आपके वालिद की वफ़ात आपके बचपन ही में हो गई थी जब हम बड़े बड़े अइम्मा एगाम या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने दीन की खिदमत की जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि ऐसे लोग हैं जिनकी तरबियत तो उनके माओ ने की है। बचपन में उनके वालिद का उनके बापों का इंतक़ाल हो गया ऐसे बहुत सारे इमां के बारे में हमने पढ़ा तो लिहाजा आप अपने ख़ानदान में पले बढ़े और शहर की मस्जिद के इमाम के पास आपने क़ुर करीम पढ़ा इसी तरह इब्तदाई लिखने पढ़ने का इलम हासिल किया फिर तेरह सौ उनहत्तर में शुमासिया में जब सरकारी मदरसे का अफ्तः हुआ पहले वहाँ मदरसा भी नहीं था इमाम मस्जिद के पास आपने पढ़ा था तो आप उस मदरसे में दाखिल हुए और अपनी इब्तायी तलीम मदरसए फैसलिया बुरादा से तेरह सौ इकहत्तर में मुकम्मल फ़रमाई और फिर तेरह में 1373 हिजरी में जब बुरादा में बुरादा जो सऊदी अरब का मशहूर सिटी है इल्मी का अफ्तः हुआ तो वहाँ आप उसमें दाखिल हुए और वहाँ से 1377 में फरागत हासिल की और उसके बाद शरिया कॉलेज रियाज से मुनसक हुए और वहाँ से थर्टीन एटी वन में फरागत हासिल की और फिर शेख महत्तरम ने फिक में एम ए की डिग्री हासिल किया इसी तरह आपने फिक में दक्तुरा भी किया डॉक्ट्रेट की डिग्री हासिल की और ये दोनों डिग्रियाँ आपने कलियतुलशरिया से हासिल किया तो इस तरह ये आपका तालीमी सफ़र था जो यहाँ लिखा जाता है और फिर शेख मोहतरम ने बहुत सारे से आ, उन्होंने इल्म हासिल किया शेख फौजान जिनकी किताब हम पढ़ रहे हैं बड़े बड़े से आपने आपनेमा और नुमाया काियान की शागिरदगी का शर्फ हासिल किया इनमें सबसे मशहूर समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहम् की शख्सियत है जिनसे आपने इल्म हासिल किया और इसी तरह बहुत सारे अहदों पर आप रहे और आ, कहते हैं इसी तरह आपके इसम में शेख अब्दुल्ला बिन हमैद रहा हैं जिनके दुरुस वो ज़माने में बुरादा में बखसरत हुआ करते थे और इसी तरह फ़ीरतुलशेख़ मोहम्मद अमीन शनकीती फजीलतुलशैब्जा आफीफ़ी रहम् फजीलतुलशै हमूद बिन सलेमान अतल ये सारे लोग थे जिनसे आपने इल्म हासिल किया और इसी तरह शेख मोहतरम ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं फिल अ तहक़ीक़तमदिया ये फ़न मीरात में ये आपके एम ए माचेस्टर का रिसाला है इसी इसी तरह आपने दकतरा किया तो अहकामातीमा इस्लामिया ये आपके दकतरा का रिसाला है इसी तरह अर्शाद अलासहीतिकाद शरहुलआीद तिलवासतियानफ़ीमा अख्ताफ़ीबादुलकुत्ताब मजमु मुहावरात फ़िलकीद वदावातबालमंबरिया फिल्मनासबातरिया छः जल्दों में एक किताब है मिन आलामिल्मजद्दीन अफिल इस्लाम ऐसे बहुत सारी किताबें शेख मोहतरम ने लिखी इसी तरह मजमू फताब अफिल आकदा वाल्फ़ पाँच जल्दों में इसी तरह यूसुफ़ खरदाबी की किताब की तरदीद में फिल इस्लाम उसके नक्द में भी शेख ने किताबें लिखी हैं बहुत सारी किताबों की लिस्ट हमारे पास है तकरीब बाईस किताबों की लिस्ट इन्होंने यहाँ पेश की है और ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं अल अजबी मुफीदा अन जदीदा, ये किताब है जो हम पढ़ने जा रहे हैं नौजवानों की रहनुमाई के लिए और सही अकीदे की तरफ उनकी रहनुमाई के लिए और तबाह कुन फितनों से बचने के लिए शेख मोहतरम ने इन सवालात के जवाब दिए और ये किताब की बड़ी अहमियत है अल्लाह ताला शेख मोहतरम को हमारी और तमाम मुसलमानों से जजाय ख़ैर अता फ़रमाए और उनकी कोशिशों को अपने रब करीम के लिए खालिश बनाएँ और क़ियामत के दिन अल्लाह ताला शेख मोहतरम के मिज़ा हसनात का हिस्सा बनाए अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत से रखे अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को शेख मोहतरम के हक़ में कबूल फरमाए आमीन बसमिल्ल अल्लाह ताली की तोफ़ी से हम इस किताब का आगाज़ करते हैं तो शेख मोहतरम से जो पहला सवाल जो इस किताब में जो बयान किया गया है बहुत मुख्तलिफ दुरुस् के मौके पर जो सवालात होते थे और ये सवाल भी ऐसा है जिससे हमें वक्तन फ़वकाता पाला पड़ता है हमेशा हमारे साथ ये चीज़ पेश आती है सवाल ऐसा था कि समर्स कोर्स या ऐसे दीनी प्रोग्राम जो होते हैं तो उनके ताल्लुक़ से पूछा गया कि ऐसे फ़ाजिल बरदरान को क्या नसीहत फरमाएंगे कि अगर उलमा व मशाइ के दुरुस् का वक्त समर कर् के वक्त से मुतारद हो तो क्या वो मशाइ के दुरुस् में शिरकत करें या फिर समर कोर्स के मराकज ही में रहें तफसीली वजाहत फरमाएँ तो मतलब ये होता है कि मशाइ और की जो दुरूस होते हैं वो मसाजिद में या आ, दूसरी जगहों पर होते हैं और अलमर की जिस सैफिया जो समर कोर्स के या दूसरे मुनासबात से जो नौजवान वहाँ होते हैं उनको ये दुरुस्त सुनने का मौका नहीं मिलता है तो शेख मोहतरम से पूछा गया कि क्या वो लोग यही की जिस सैफिया में रहें वहाँ जो तरबियत होती है उसी तरबियत से जुड़े रहें या उसको छोड़ कर मशाक़ और के दर्स में शर्क हो सकते हैं बाक़ी ये चीज़ हमारे नौजवानों के साथ भी पेश आती है शेख मोहतरम ने उसका जवाब दिया कि समर कोर्स की मरकस का जो मकासद है जो भी समर कोर्स के जो मकासद होते हैं माशा हमारे पास भी समर कोर्स चलता है जिसे सैफिया कहते हैं और सऊदी अरब में दूसरे ममालिक में इसका बहुत अहतमाम होता है इसलिए तलबा उस वक्त फारग होते हैं और वो बड़ा अच्छा मौक़ा होता है कि तलबा की जहन साजी की जाए जहन साजी की जाए उसमें इस्लामी तालीम तलीमियत होती है इसलिए कि खासकर इस मुल्क में हम होते हैं तो हमारे वो तलबा जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको जुमा तक पढ़ने का मौका नहीं होता है जुमे के वक्त भी उनको छुट्टी नहीं होती या तो क्लास चल रहा होता है चल रही होती है और वो उसमें बिज़ी होते हैं बाज जगह जुमे की भी उनको परमिशन नहीं होती है इजाज़त नहीं होती ऐसे बच्चे सिर्फ़ समर ही में हो सकता है कि उनको दीनी तलीम और तरबियत मिले तो शेख लिख इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरी राय ये है कि इन मराक़ के जो जिम्मेदारान हैं उनके जो टाइम टेबल वो बनाते हैं उमदा तरीक़े से बनाएं यानी मराकिस के टाइम टेबल में मशाइख और के जो दुरूस होते हैं उसमें मुतारज़ ना हो कोई क्लाश ना हो वहाँ शरीक होने वालों को मौका मिले कि वो उनसे भी फ़ायदा उठाएं और साथ साथ शेख ने जवाब दिया उन मराकिस के मुतालिकीन को मशाइख के दुरुस व महाजरात के लिए मसाजिद में हाजिर करें आज होता यही है कि ऐसा जहन बना रहे हैं कि नौजवानों को उलमा से काट दिया जाए उलमा से दूर कर दिया जाए एक नई लहर चली है जो लोग आलिम नहीं होते हैं लेकिन वही तरबियत करते हैं वही बैठाए वही तरबियत करते हैं वही सब कुछ समझते हैं और वो चाहते हैं कि नौजवान नसल उलमा से दूर हो जाए ऐसी बात हरगिज़ नहीं होना चाहिए आज जिसने भी जो भी सीखा है वही उल्माई किराम, उलमाए रब्बानी की मरहुन मन्नत है अल्लाह के फजल के बाद उलमा से हम सीखते हैं तो से लोगों को करीब करना चाहिए ना कि दूर करना चाहिए क्योंकि शेख जवाब में उन्होंने कहा कि उलमा के खिताबात व बयानात में हाजिर होना और उन मराकिस की सरग ये इन मराकिस की सरगर्मियों का एक हिस्सा है जो समर कैम्प में जो शेड्यूल बनाया जाता है उसमें ये भी बनाएं कि हर दिन हर सेशन में एक आरिम का बयान रखा जाए ताकि उसकी उनकी तरबियत में नौजवान ज़ेर असर तरबियत पाए इसलिए कि और ही हैं जो अम्बिया के वारित हैं जो नौजवानों की सही तरबियत कर सकते हैं तो इसीलिए लिए यहाँ शेख ने जवाब दिया इसलिए अब बजाय इसके कि आप महाविर मुकर को उन तलबा के लिए मराक में लाएँ उन तलबा ही को मस्जिद में हाजिर करें जहाँ शेख का बयान होता है वहीं तलबा को वहाँ ले जाएँ और यही अफ्ल है क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और जिन में तलबा बैठेंगे इल्म की समात करेंगे और ये उससे बेहतर है कि तलबा इस्लामिक समर कैंपों के मराक़ में बैठें इस्लामिक सेंटर में बैठें अगर यहाँ दर्श होता है आन इसी वक्त मस्जिद में भी दर्श होता है तो हम लोग कहेंगे कि तलबा वहीं बैठें और वहीं बैठ कर की तकरीर सुनें इसलिए कि मस्जिद में बैठ कर सुनने की जो बरकत होती है वो दूसरी जगह वो नहीं होती सारी बात का ख़ुलासा शेख ने शेख की यहाँ इस तरह है कि जो लोग समर कोर्स चलाते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं उन पर वाजिब है रूरी है कि वो शेड्यूल और प्रोग्राम को खूब उम्दा तरतीब और तनसीख के साथ करें इस तौर से कि मशाइ के जो लेक्चर होते हैं मसाजिद में तलबा वहाँ हाजिर हो सकें और वहाँ के बयान में समर कोर्स के शेड्यूल में किसी तरह का कोई तनाज़ न हो एक ही वक्त में अगर कोई दीनी जलसा आ जाए और यहाँ आपका प्रोग्राम चल रहा हो तो उस दीनी जलसे को तरजीह दें तो इसीलिए कहते हैं कि इन मराक़ के मकासद में से ये एक हिस्सा ये है कि किलबा की तकरीर सुने सारे जवाब का ख़ुलासा हमको ये समझ में आता है कि नौजवान बच्चों को नौजवानों को हमेशा हम हमा से जोड़ें जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है से जोड़ें ताकि बच्चे दीनी इल्मिल कर सकें तो मैं मुझे उम्मीद है कि ये सवाल और इसका जवाब आपकी समझ में आ गया होगा और भी कुछ बातें हों तो इंशाअल्लाह हम इसको अगले दर्स में आपके सामने पेश करेंगे एक और सवाल जो हमारे पास आता है शेख मोहतरम से भी ये सवाल किया गया है शेख साल फौज़ान हफिजहुल्लाह से कि बच्चों की तरबियत के जो प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में ड्रामे डाले जाते हैं ड्रामों का इनका किया जाता है और साथ साथ नशीब गाने पेश किए जाते हैं हा? आपने सुना वो नशीद। तो आज यही बाजार गर्म है आज शायद लोग तकरीर सुनने में उतनी दिलचस्पी नहीं सुनाएंगे जितना कवाली सुनने में लगाते हैं या ऐसे लोग जो कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं वो नात और हमद के नाम से गाते हैं कोई नमाजी है अल्लाह वाला शायर है अगर कहता है तो हम उसे बुरा नहीं कहते जैसे अल्ला के अल्लाह के नबी नबीम के ज़माने में हसान अबन साबित रदी कहते थे अल्लाह के नबी नबीसम की तारीफ़ करते थे और आ, खस, और बहुत मशहूर है इस्लाम में आपकी वो अशार जो अल्लाह के नबीसम के बारे में उन्होंने कही हैं लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं कि जब कभी जन्माष्टमी आता है या इस मुल्क में हिंदुओं की ईदें आती हैं तो घर के अफराद अपने बच्चे छोटे बच्चे या बच्ची को बुत की सूरत बनाकर स्कूल में हाजिर करते हैं कि मेरा ये बच्चा तुम्हारे इस ड्रामे में हिस्सा लेगा तो बिल्कुल जैसे उनका बुत होता है वैसे गले में बुत के हार होते हैं और उसकी पिशानी पे बिल्कुल खशका होता है ये सारी चीजें होती हैं और उसे ले जाकर वो लोग पेश करते हैं यानी वो अपने बच्चे को अपने हाथों से बुत बनाते हैं इब्राहिम सलाम ने अपने बाप को तोहैद परस बनाने की कोशिश की ये लोग अपने बच्चों को बुत बनाकर पेश करते हैं तो ये तो चीज़ है ये तो चीज बिल्कुल गलत है लेकिन इसी के साथ साथ ये जो नशीद के नाम से जो नाच गाना भी होता है म्यूज़िक बनाया जा बनाया जाता है इसका शरीयत में क्या हुकुम है एक ज़माने में अभी इसके जो कैसिटें चलती थी तो नशीद गाए जाते थे तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके ताल्लुक़ से शेख मोहतरम से सवाल किया गया तो शेख ने उसका जवाब दिया कि समर कोर्स के जो मराक़ हैं ऐसे लोग ऐस के ज़िम्मेदारों पर ज़रूरी है कि ऐसे लोग ऐसी चीज़ें न रखें जो बेफायदा हों या तलबा के लिए नुक़सानद हों ऐसे ड्रामे ऐसे नशीद न रखें जो तलबा के लिए नुकसानदेह हों इससे बचना चाहिए बल्कि मराक़ सफिया या या समर कैंप में क्या होना चाहिए तो कहा कि सिर्फ़ कुरान सुन्नत हो क़ुरान की आयत याद कराई जाएँ छोटी छोटी सूरतें याद कराई जाएं या अच्छी अच्छी हदीसें बताई जाएं ये सारी चीज़ें आ, उनको सिखाई जाए और अहादीस चालीस हदीसें समर कोर्स में पढ़ाई जाएं या फ़िक के मसाइल समझाए जाएं तहारत के मसाइल कैसे हैं नमाज कैसे पढ़ना है रोज़ा कैसे रखना है रोज़ा कब टूटता है नमाज का वक्त कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है और पाकि सफ़ाई क्या है माँ बाप के साथ अदब के आदा, आदाब में क्या क्या चीज़ें दाखिल हैं और साथ साथ अरबी ज़बान भी सिखाएं इसलिए कि अरबी ज़बान हमारी अपनी क़ुरान की ज़बान है अरबी ज़बान अगर सीख लें तो बाकी मसाइल ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं तो शेख ने लिखा शेख साल फौज़ान ने दीगर चीज़ों के बजाय यही काफ़ी है इसी में वक्त का सही इस्तेमाल है जो भी समर कैम्प का सिलेबस बनाते हैं वो इन्हीं बातों को अपने साथ शामिल रखें अब तो बहुत एडवांस हो गया है अभी आ, हैदराबाद में लास्ट ईयर में एक समर कैम्प चला था फिफ्टी थाउजेंड उसका कितना फिफ्टी थाउजेंड उसका ये था यानी मतलब एक महीना बच्चा खाना पीना वहीं वो रहेगा और उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ अलहमदुल्ला कुछ नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ एक अलग तरीक़े पर उसका पूरा ये बनाया गया उलमा से ताउन लिया गया उलमा ने मुहाज़रात दिए तरबियत की माशाल्लाह उसका बहुत फ़ायदा रहा जैसे मैंने मालूम किया अल्लाह ताला उसे और भी मुस्तफीद बनाए लेकिन हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं है हर एक के लिए पचास हज़ार देना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है लेकिन जिनके लिए मुमकिन है वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो और इसी में वक्त का सही इस्तेमाल इसी तरह उन्हीं वो वोम सिखाएं जिनकी उन्हीं दुनिया में ज़रूरत हो समर कैंप में आप क्या क्या सिखा सकते हैं खुशनवैसी है यानी हैंड राइटिंग है उसे आप सिखा सकते हैं हिसाब मैथ्स और दीगर मुफीद महारतें कंप्यूटर है या टाइपिंग या, है ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं या जैसे आप कह रहे हैं तरफी ही यानी लुफ्फोज़ी की जो चीज़ें हैं या वो चीज़ें हैं जिसमें बहादुरी के करतब होते हैं लॉन्ग जंप है हाई जंप है रनिंग रेस है या दूसरे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुमार जुआ ऐसी चीज़ें शामिल नहीं हैं वो खेल भी सिखा सकते हैं आ, जैसे हिंदी में कहते हैं मनोरंजन मतलब ऐसी चीज़ें जो फ़िज़िकल हों और शरीयत उसकी इजाज़त देती हो तो शेख आखिर में कहते हैं कि ड्रामे और नशीद इस तरह की चीज़ें जायज़ नहीं हैं जायज़ नहीं हैं क्योंकि ये चीज़ें वक्त का अच्छा ख़ासा हिस्सा बग़ैर फ़ायदे के ले लेती हैं तो यहाँ शेख ने ये लिखा कि एक ज़माने तक औरतों की आवाज़ में नशीद गाया जाता था लोग भी बड़े इससे उसे सुनते थे तो इस सिलसिले में वो कहते हैं कि इस्लामी गाने कहकर ऐसे तमाम गाने जो फितना अंगेज़ आवाज़ों में होते हैं और दीनी तकारुरान की, की क्यासिटों के साथ बेचे जाते हैं ये सारी चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए वरना आजकल हम लोग देखते हैं कि क़वाली के नाम से जितने जितनेटो वाले हैं मुसलमान हैं जो वो क्या डालते हैं वो लोग खवाली डालते हैं तो जुमे की फ़जीलत में वो समझते हैं कि खवाली सुनना चाहिए जुमे के दिन क्या करना चाहिए खवाली सुनना चाहिए और <laughs> हम लोग कहते हैं है सुर का पढ़ना चाहिए बोलते कि नहीं जुमे के दिन सर पे टोपी लगा लिया नहा लिया खूब गाने सुने कवाली सुनी और आखिर वक्त में जुमे के खदबे में हाजिर हुए और समझा कि जुमे का ख़ुतबा ख़त्म हो गया अल्लाह ताला सबको हिदायत दे तो इसी तरह इस्लामी गानों के नाम से ये नगमा सुरूर का मसला है तो दरअसल ये जो गाने हैं इस्लामी गाने जैसे कहा कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या कहा उन्होंने सूफ़ी क्लासिकल म्यूज़िक ये चीज़ कैसे दीन में दाखिल हुई हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है अल्लाह के नबी सा ने कहा कि मजामी और शैफ़ा ये जो म्यूज़िक की जो चीज़ें हैं ये शैतान के म्यूज़िक के आलात हैं इसको तोड़ देना चाहिए किटार है ये सारी चीज़ें हैं हमारी इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है लेकिन जैसे दुश्मनों ने तकसीम किया है कि एक इस्लाम है जो खालिस इस्लाम है और दूसरा इस्लाम है एक म्यूज़िक है जो हराम है दूसरा म्यूज़िक है सूफ़ी क्लासिकल कहा कि वो म्यूज़िक जायज़ है जिसमें आदमी मस्त हो जाए नाचने लगे झूमने लगे और बोले कि ये सूफी क्लासिकल म्यूजिक है तो ये शैतानी म्यूजिक है इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है बल्कि इस्लाम ने गाने को मशरू नहीं किया है साहब कराम पर खुशु खुदू तारी होता था झूम कर नहीं और मैं पी कर नहीं शराब पी कर, कर यादबिल्ला इस्लाम ने उसकी हरमत कर दी है लेकिन वो कुरान की आयात सुनकर झूम जाते थे कुरान की आयात सुनकर उनके दिल भर जाते थे जैसे कहा कि मैंने सुर दारियात की आयतें सुनी वकानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दिल उड़ रहा है साहब कराम कुरान के आयात सुनकर इतना ये होते थे लेकिन ये जो सूफी ये जो सूफियों का दीन है वो मदहोश का दिन है सरमस्त का दिन है ये सही इस्लाम वालों का दिन नहीं है तो इसलिए वाजिब है कि इस तरह के गानों से पूरी तरह से बचा जाए ऐसे गानों की चीजें ना खरीदी जाए ना बेची जाए इसलिए कि ये गाने मुसलमानों को मुसलमानों के अंदर फितना अंगेजी करते हैं और इसमें यह भी हो सकता है इन गानों को रिवाज देने के लिए ये दलील पेश करें कि अल्लाह के नबी वसल्लम के पास भी गाने गाए जाते थे बहुत सारी सही जिससे भी आती हैं अल्लाह के नबी वसल्लम के सामने दो बच्चियाँ अंसार की बच्चियाँ गाने लगी वफीना मोहम्मद हमारे अंदर मोहम्मद अलैहि वसल्लम हैं जो ऐसी बात उन्होंने कह दी जो अल्लाह के लिए मुनासब थी तो अल्लाह के नबी सा फरमाया कि तुम ऐसे न कहो वैसे कहो जो पहले कहती थी तो तो उसका जवाब ये है कि रसूल के पास जो अशार गुनगुनाए जाते थे वो इज्तमाही आवाज़ों में गानों की शक्ल में नहीं होते थे गाने की शक्ल में सारे मिलकर झूमें गाएँ ऐसा नहीं होता था न उन्हीं इस्लामी नग़मे कहा जाता था न ना उनका नाम अनाशीत था बल्कि वह अर, अरबी अशार हुआ करते थे जो हमत की बातों और अमसाद शुजात बहादुरी सखावत पर मुश्तमिल होती थी कौमों और अफराद की सखावत की बया बयान होता था और सहाबे कराम उन्हीं फ़र्दन फ़र्दन पढ़ते थे इंडिविजल अलग अलग पढ़ते थे ऐसा नहीं था कवाली की एक मजलिस है इसकी एक कवाल के साथ दस आदमी वो फवाल के साथ दस आदमी बीच में तबला है और गा रहे हों ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती थी ताकि उनमें मौजूद इन मानी को हासिल कर सकें तो इससे मालूम होता है कि इस्लाम के अंदर सूफी क्लासिकल म्यूज़िक या किसी तरह की म्यूज़िक कोई चीज़ नहीं है ये चीज़ दीन में दिन में बिदात है जो बिदाती सूफ़ियों का मनमानी दीन है इन गानों का दीन बना लेना उनके यहाँ मरूफ़ है इसलिए ऐसी सारी चीज़ों से आदमी को आगाह होना चाहिए इन बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए इसी से जुड़ी एक और बात भी हमारे साथ है आ, उसी को भी हम सुन लेते हैं कि शेख अबिनम रहा से मोहम्मद बिन साल रही से पूछा गया के इस तरह के गानों के बारे में आप क्या कहते हैं क्या कोई इस्लामिक सांग ऐसा भी है क्या है क्या ऐसा लोग बोलते हैं सूफ़ी सांग, इस्लामिक सांग, ऐसा कुछ है क्या हमारे पास एक गाना जो भी गाना गलत है हम गाने की तकसीम नहीं करेंगे कि इस्लामी गाने हैं क्लासिकल गाने हैं ऐसी कोई बात नहीं है तो, तो शेख मोहतरम ने उसके जवाब में कहा कि ऐसी चीज़ें हैं इन्हें मशगूल और उस फ़ायदे से गा, गाफिल कर देते हैं ये सारी चीज़ें हैं जो ग़लत हैं शेख ने ख़ुद भी कहा ये चीज़ें महज खेल कूद और तमाशा हैं जो लोगों को बहकाने के लिए नशर किए जाते हैं ऐसे सारी चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए तो ये शेख मोहम्मद बिन सा का फतवा था और भी तफसील इसमें है तो सारी बात का खुलासा ये है कि नौजवानों को लबा को वो चीज़ें दे जो उनके लिए दुनिया और आखिरत में फ़ायदा दे सकती हैं तो इस्लामी गानों के नाम से सूफ़ी गानों के नाम से सूफ़ी क्लासिकल म्यूज़िक के नाम से जो कुछ भी बनाया सुनाया दिखाया जाता है ये सब कुछ गलत है इस्लाम इसे कभी भी इसकी तरवीज नहीं करता ख़ुद भी बचें अपने आलो औलाद को भी बचाने की कोशिश करें अल्लाह ताली हम सब को इसकी तौफीक दे आमीन वालेक वरहल बरकातहू